तो मेरे को कुछ नहीं होगा भाई, चोट कभी भी लग सकती है। और कनाडा का सिस्टम बहुत ज्यादा महंगा उन्होंने भाई, एक हॉस्पिटल हॉस्पिटल के फ्लोर पे बच्चे को जन्म दे दिया भाई, उसे एक रूम नहीं मिल सका, एक बेड नहीं मिल सका कि जहाँ पर वो बच्चे को जन्म तो दे सके। मतलब हर 2 लाख पॉपुलेशन के लिए एक हॉस्पिटल है। बंदा अपने साल के 4-5 महीने तो सरकार के लिए काम करता है, 9-9, 10-10 घंटे बंदे वेट करते हैं दर्द में, पर करते हैं कनाडा में फ्री हेल्थ केयर होने के बजाय भी वो इंडिया जाकर अपना इलाज कराना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के मेडिकल सिस्टम के बारे में, कि मेडिकल सिस्टम का ऐसा कनाडा का काम करता है कि कितना इफेक्टिव है ये सिस्टम और क्या क्या इसमें खामी है। भाई जो भी भाई मेरे कनाडा आ रहे हैं, चाहे वो एज अ विजिटर आ रहे हैं, चाहे वो एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, एक बात हमेशा आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आप लैंड करते हैं, सबसे पहले आप अपना इंश्योरेंस लें, चाहे वो आपका प्राइवेट इंश्योरेंस हो, चाहे आपका प्रोविंशियल इंश्योरेंस हो। जैसे मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूँ, हमारा यहाँ पर मेडिकल सर्विस प्लान की तरह एक MSP कार्ड बनता है, जहाँ पर हमारा इंश्योरेंस सरकार चलाती है। जब तक आप स्टूडेंट होते हैं तब तक आपको $75 पर मंथ इसका पे करना पड़ता है, और जैसे ही आप वर्क परमिट पे आ जाते हैं, आपके पास फुल टाइम जॉब हो जाती है, तो आप टैक्सेस हाई ज़्यादा पे करते हैं, इसलिए आपको इंश्योरेंस फिर आपको फ्री में हो जाता है आपका इंश्योरेंस। भाई जैसे आप लैंड करते हैं तो MSP आपको तभी कवर नहीं करती, आपको 3 महीने के बाद आपकी कवरेज स्टार्ट होती है। तो जैसे आप लैंड करते हैं, आप गार्ड में जैसा एक प्राइवेट इंश्योरेंस ले सकते हैं जो आपको कवर करेगी। तो भाई यहाँ पर जो मेडिकल सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। एक आपको फिजिशियन पे, जो एक नॉर्मल डॉक्टर होता है, आपको उसकी विजिट भी $150 से $200 तक पड़ सकती है, जो कि इंडिया के 12,000 के आसपास हो गया। एक बस विजिट करना आपको $200 पड़ जाएगा। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम है, आपने विजिट किया, तो आपको 12,000 तक का खर्चा एक विजिट पे आ जाता है। तो इसलिए आपको इंश्योरेंस कराना ही कराना है। कभी भी ये गलती मत करें कि बाद में करा लूंगा, थोड़े टाइम रुक के करा लेता हूँ कि क्या होगा मेरे को, तो मैं यंग हूँ तो मेरे को कुछ नहीं होगा। भाई चोट कभी भी लग सकती है, और कनाडा का सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा है। भाई कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी कि एक हॉस्पिटल के फ्लोर पे वेटिंग एरिया में एक प्रेग्नेंट लेडी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। हाँ भाई आप सही सुन रहे हैं, एक हॉस्पिटल के फ्लोर पे बच्चे को जन्म दे दिया। भाई उसे एक रूम नहीं मिल सका, एक बेड नहीं मिल सका कि जहाँ पर वो बच्चे को जन्म दे सके, क्योंकि भाई डॉक्टर्स की इतनी कमी है ना। तो भाई मैं सरी में रहता हूँ, यहाँ पर कुछ 12 लाख की पॉपुलेशन है, 12 लाख की ये सिटी है, और यहाँ पर मेन हॉस्पिटल भाई 6 ही हैं। तो मतलब हर 2 लाख पॉपुलेशन के लिए एक हॉस्पिटल है, जिसमें भाई मैक्सिमम कितने रूम हो जाएंगे कि 2 लाख बंदे कवर हो जाएं, इतने रूम तो नहीं हो सकते हैं ना। तो भाई माना कि हेल्थ केयर फ्री है, फ्री नहीं कह सकते हम हेल्थ केयर, आपको इतना आप टैक्स भरते हो ना भाई, जितना टैक्स कनाडा में लोग भरते हैं ना, इतना मेरे को लगता है शायद ही कहीं पे होगा। नॉर्मली बंदा अपने साल के 4-5 महीने तो सरकार के लिए ही काम करता है, सरकार को टैक्स भरने के लिए काम करता है, तो जो बाकी उसके बचते हैं महीने, उसी में से उसको अपना खर्चा चलाना पड़ता है। तो भाई बात करें कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम की, तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है कि इतनी डेवलप्ड कंट्री के पास डॉक्टर नहीं है। भाई इंडिया में थोड़ी थोड़ी जगह पे हम क्लिनिक्स देख सकते हैं, भाई नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो वहाँ पे भाई डॉक्टर्स आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो सिस्टम है कनाडा के हेल्थ केयर का, वो है भाई कि अगर आपके पास MSP कार्ड है, अगर आपके पास इंश्योरेंस है, तो आप एक अपना फैमिली डॉक्टर रजिस्टर करा लें। मैंने तो अभी तक नहीं कराया। अगर आपको कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो आप उस फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको डायग्नोज करेगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो खुद ही आपको मेडिसिन दे देगा, वरना आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, आप किसी भी फार्मेसी से वो मेडिसिन ले सकते हैं। तो जो आपको MSP है वो आपको कवर करती है, कि जो आपकी विजिट है वो सारा MSP पे करेगी, आपका इंश्योरेंस पे करेगी। भाई फिर बात करते हैं कि अगर आपका कहीं भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या करेंगे भाई। तो अगर आपका भाई एक्सीडेंट हो गया और आपकी लात टूट गई, तो आपको एकदम से नहीं देखा जाएगा कि आप गए और आपकी तभी आपको देख लिया, ऐसा नहीं होगा। भाई आपसे पहले जो बंदे वेट कर रहे हैं, वेटिंग टाइम भाई आपको इमरजेंसी भी नहीं कह सकते कि आप मरोगे नहीं, पर आपको दर्द हो रहा है, इन चोटों के लिए आपको 8 से 9 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। तो नॉर्मल एवरेज टाइम इतना ही है भाई, 9-9, 10-10 घंटे बंदे वेट करते हैं दर्द में कि हमारा नंबर आ जाए, हमें डॉक्टर देख ले। ये बात है कि अगर आप मरने वाले हो, कि अगर आप बिल्कुल ही आप डेथ बेड पे हो, आपकी आखिरी सांसें चल रही हैं, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर आप लगा लें कि नॉर्मल डे पर अगर आपको चोट लग गई और आप किसी हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पर आप खड़े हैं अपनी बारी की वेट कर रहे हैं कि भाई 8 घंटे आपने वेट करनी थी, 6 घंटे आपने वेट कर ली है, और वहाँ से कोई और बंदा आ गया जिसको थोड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, किसी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान जाने वाली है, लाइफ डेथ सिचुएशन है, तो उसको पहले देखा जाएगा। अगर आपको चोट लगे, आपको फिर से एक पेन किलर दे देंगे और कहेंगे भाई वेट करो, उस बंदे को पहले देख लें जिसकी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। तो भाई एक स्कैम सा लगता है कि इतना हम टैक्स पे करते हैं और फिर भी हमें एक। तो भाई ये तो था अगर आपके चोट लग गई या फिर आपको कोई लाइक छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो आपने अपने फैमिली डॉक्टर को विजिट कर लिया। जिनके फैमिली डॉक्टर नहीं है वो किसी भी वॉक इन क्लिनिक्स में जाके अपने आप को डायग्नोस करा सकते हैं। और अगर आपको कोई चोट लग गई जिस पे आपको क्विक ट्रीटमेंट चाहिए, वो आप किसी हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं, पर उसमें भी आपको वेटिंग करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं उन सर्जरीज की जिनमें आपको
लाइफ एंड डेथ सिचुएशन तो नहीं है पर आपको सर्जरी कराना इंपॉर्टेंट है, तो भाई आपको एक एक साल तक की वेटिंग है। अगर आपको कोई सर्जरी करानी है आपको एक साल वेट करना पड़ेगा, एक साल से पहले आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो कुछ आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बता देता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड को काम पे चोट लग गई थी भाई, तो उसको भाई डॉक्टर ने एक साल की अपॉइंटमेंट दी कि एक साल के बाद आना, उसकी गुम चोट लग गई थी कि एक साल के बाद हम आपको देखेंगे क्या आपकी प्रॉब्लम है और क्या सर्जरी करनी है क्या नहीं करनी। और ये जो आपके पास इंश्योरेंस होता है इसमें सब कुछ कवर नहीं होता है, जो प्रोविंशियल इंश्योरेंसेज होते हैं इनमें आपका डेंटल भी कवर नहीं होता और इनमें आपका बैक का जैसे कायरोप्रैक्टर या आँखों का ये सब कवर नहीं होता। तो भाई डेंटल की बात कर लेते हैं कि रिश्तेदार के लड़के ने अपनी ब्रेसिस लगवाई थी दांत सीधे कराने के लिए और उसके $30,000 खर्चा आया जी, सिर्फ ब्रेसिस का $30,000 खर्चा आया जो कि इंडिया के लगभग 18 लाख हो गए। तो भाई 18 लाख में उसने अपने दांत सही कराए हैं। इंडिया में इतने में यहाँ पर एक छोटा मोटा घर तो डाल ही सकते हो जितने में लड़के ने यहाँ पर अपने दांत सही कराए हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इंडिया जाते हैं अपने दांतों को सही कराने, अपने दांतों को जो भी उनका डेंटल का प्रोसीजर होता है वो इंडिया जाके कराते हैं, इंडिया जाकर उनको सस्ता पड़ता है बजाय यहाँ कराने के लिए। तो एक नॉर्मल जो होती है जी रूट कनाल जो अपने जाड़ों पे होती है, रूट कनाल इंडिया में 2,000 का हो जाएगा या 3,000 का हो जाएगा, सेम रूट कनाल अगर आप यहाँ पे कराओगे तो कम से कम आपके $2,000 से $3,000 लगेंगे। हाँ जी भाई $2,000 से $3,000 लगेंगे एक रूट कनाल कराने में, जो कि इंडिया में आपको 2,000 से 3,000 रुपये में हो जाता है, इतना महंगा है जी यहाँ पे डेंटल का। इनमें डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है भाई, डॉक्टर्स की कमी ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्पेशलिटी की बात करें कि कोई स्पेशलिटी वाला डॉक्टर चाहिए तो उनकी तो बहुत ही ज़्यादा कमी है, बहुत ही कम डॉक्टर होते हैं जो किसी स्पेशलिटी के लिए होते हैं। मोस्टली लोग बस यही प्रेफर करते हैं कि या तो उन्हें कोई बीमारी हो ना, अपना लाइफस्टाइल ही वो ऐसा बना लेते हैं, या फिर वो इंडिया जाकर अपना इलाज कराना प्रेफर करते हैं। कनाडा में फ्री हेल्थ केयर होने के बजाय भी वो इंडिया जाकर अपना इलाज कराना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो भाई ये जो वीडियो है ये दो टाइप बंदों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक बंदा वो जो इंडिया में हेल्थ केयर प्रोफेशन है भाई, एक तो हेल्थ केयर प्रोफेशन वाले बंदों को कनाडा में पीआर लेना बहुत ही ज़्यादा इजी है, उनको इजीली आप यहाँ पे पीआर हो सकते हैं और आपकी इनकम है वो बहुत ही अच्छे लेवल की होगी, एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आप यहाँ पर कमा सकते हैं। मैं उनके लिए ये वीडियो बनाई है जो बंदा के लिए जिसके लिए मेडिकल बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी है कि भाई कहीं वो कनाडा में मूव कर जाए और बाद में उसको पता चले कि यहाँ का तो हेल्थ केयर सिस्टम एक जोक ही है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए।